हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं KPIT टेक्नोलॉजी और टाटा इलेक्सी के बारे में। देखिए, हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि दोनों कंपनी बुरी नहीं है। फिलहाल जो है कि कौन सी कंपनी अपने लिए बेस्ट रहेगी उसके बारे में भी एनालाइज करेंगे। देखिए, एक कंपनी जो है कि 15 से 20% जो है डाउन है, दूसरी कंपनी जो है 20 से 25% के आसपास जो है कि डाउन है। चलिए फटाफट हम दोनों कंपनियों को जो है एनालाइज करते हैं, फटाफट जो है पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। चलिए हम आ जाते हैं कंपनी के ऊपर। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो है टाटा इलेक्सी को देख लेते हैं। देखिए, टाटा इलेक्सी जो है कि 1989 में जो है स्थापित हुआ था, जो कि इलेक्सी शब्द एक सुपर कंप्यूटर के नाम पर रखा गया। इस कंपनी के सीईओ जो है मनोज राघवन जी हैं। इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। बिजनेस की बात करें तो इंडस्ट्रीज जो है कि डिज़ाइन एंड विजुलाइजेशन सिस्टम इंटरफेसेस और एम्बेड प्रोडक्ट डिज़ाइन जैसी सुविधा प्रदान करती है कंपनी। सब हम आपको इतना ही क्या, देखिए कंपनी जो है तीन बेस में, मतलब कि इनका जो है कि ये देख लीजिए आप, इनका जो है कि यही बिजनेस है। चलिए दूसरी कंपनी जो है KPIT टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आ जाते हैं। देखिए, KPIT टेक्नोलॉजी जो है कि ये दो चार्टर्ड अकाउंट रवि पंडित और किशोर पाटिल के द्वारा साल 1990 में स्थापित किया गया। मतलब आपको बताना है, देखिए कंपनी जो है जस्ट एक साल ही नई है, मतलब एक साल ही जो है कंपनी पीछे बाद में आई है किया गया था। इस कंपनी का मुख्यालय जो है पुणे में स्थित है। यह कंपनी पिछले कुछ सालों में कई कंपनियों के साथ हाथ मिला चुकी है और अंत में साल 2018 में कंपनी जुड़ी सीके बिरला ग्रुप के साथ, बोलते बिरला सॉफ्ट के साथ, और तब से यह ऑटो सेक्टर में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताना चाहते, देखिए कंपनी जो है कि 1990 से काम कर रही है, जो कि आपको बताना चाहते। देखिए कंपनी जो है कि थोड़ी छोटी कंपनी, इतना ही समझ लीजिए कि मतलब अभी इनको जो है कि बहुत सारी कंपनियों से जो है कि हाथ मिलाना पड़ा, मतलब आप समझ सकते हैं कि छोटी कंपनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, छोटी कंपनी होने का मतलब क्या है, रिक्सी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है कि देखिए दोनों ने जो है कि सेम रैली पकड़ी थी तेजी जो है कि, और दोनों जो है कि सेम गिरावट के साथ चल। चलिए दोस्तों, दोनों कंपनियों का जो है कि देख लिया, बिजनेस तो दोनों कंपनियों का सेम है। फटाफट जो है कि इनके रेवेन्यू को भी एक नज़र देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट में जाएं। देखिए जो है रेवेन्यू टाटा इलेक्सी के पास आपको बताना चाहते हैं। देखिए टाटा इलेक्सी के पास जो है कि 88% का रेवेन्यू जो है कि कहाँ से आता है, एम्बेड प्रोडक्ट डिज़ाइन से, और KPIT के पास जो है कि 76% का रेवेन्यू जो है कि कार पैसेंजर से आता है। उसके बाद देखिए इनके पास जो है कि 9% का रेवेन्यू जो है कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से आता है, जो कि इनके पास कमर्शियल व्हीकल से जो है कि रेवेन्यू आता है 23% के आसपास। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये कंपनी जो भी AB कंपनी टाटा इलेक्सी से पीछे नहीं है, इतना समझ लीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 3% के आसपास जो है टाटा इलेक्सी के पास इंटरग्रेटेशन से आता है। तो दूसरा 1% के आसपास देखिए, मतलब ये थोड़ा मोबिलिटी सेक्टर में ये थोड़ा डाउन है KPIT। देखिए दोस्तों, निष्कर्ष यही निकलता है कि दोनों कंपनियां जो है कि सेम टू सेम बिजनेस कर रही है, मतलब रेवेन्यू में भी पीछे नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए दोस्तों, एक बार देख लेते हैं किस कंपनी के पास कौन कितना रेवेन्यू कहाँ से आता है। चलिए देखिए, टाटा इलेक्सी को सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए टाटा इलेक्सी के पास 36 से 37% के आसपास जो है कि USA से रेवेन्यू आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, KPIT के पास जो है कि USA से 42% के आसपास रेवेन्यू आता है। तीसरा, यूरोप के पास आपको बताना चाहते हैं कि टाटा इलेक्सी से जो है कि यूरोप के पास जो है कि 36% के आसपास जो है कि इनके पास रेवेन्यू आता है, तो इनके पास जो है कि 41% के आसपास आता है। देखिए यहाँ भी तेजी है। इंडिया में थोड़ा कंपनी जो है कि डाउन है, यहाँ पे जो है कि टाटा इलेक्सी के पास जो है कि 13% के आसपास आता है, तो इंडिया में यहाँ पे 9% के आसपास आता है। अदर में जो है कि यहाँ भी जो है टाटा इलेक्सी ही तेजी में है। उसके बाद देखिए अदर में यहाँ पे थोड़ा डाउन है, लेकिन देखिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, ये छोटी कंपनी है, ये जस्ट अभी मार्केट में आई हुई कंपनी है, ये बहुत पुराने साल से काम कर रही है। चलिए दोस्तों, एक बार कंपनी के जो है कि हम क्लाइंट भी देख लेते हैं, कौन सी कंपनी किसके कितने क्लाइंट हैं। देखिए कंपनी जो है टाटा इलेक्सी के पास थोड़ा बड़े बड़े क्लाइंट हैं, जैसे फोर्ड, सुजू, लैंड रोवर, महिंद्रा, हुंडई, निशान, पैनासोनिक, मेट्रोला। देखिए और KPIT टेक्नोलॉजी के पास आपको बताना चाहते, देखिए वेदरफोर्ड, लेफर्स, स्लोन, क्रेन, वॉल्क्सवैगन जो है कि BMW, बजाज एलियंस। देखिए इनके पास भी जो है कि ये भी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, लेकिन क्या है कि इनके पास थोड़ी सी, एक ये वॉल्क्सवैगन और BMW थोड़ा ये जो है कि महंगे, और बजाज एलियंस इनके पास भी, देखिए हम इतना ही बताना चाहते हैं, इनके थोड़ा ये कंपनी छोटी है। उसके बाद छोटी होने के बाद ये बहुत बड़ी कंपनी है, प्लस क्या है, ये टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि इनके ऊपर मत जाइए, छोटी कंपनी है। आज हम आपको बताएं, देखिए बड़ी कंपनियों में थोड़ा आपका पैसा जो है कि सेफ रहेगा मेरे हिसाब से, छोटी कंपनियों में देखिए थोड़ा पैसा स्लो सेफ रहता है, यही रिस्क है। देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से अभी निष्कर्ष क्या निकल के आता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना, देखिए टाटा इलेक्सी के पास जो है कि लेनोवो, डेल, माइक्रोसॉफ्ट और जैसी
खास टाटा ग्रुप का तगड़ा सपोर्ट है। वही अगर KPIT की बात करें तो एक बहुत बड़ी कंपनी बोले तो BMW से जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में इंफोसिस और TCS जैसे कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़्यादा मजबूत बनने वाली है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहिए, देखिए दोस्तों क्या है कि कंपनी देखिए एक न्यूज बेस पे चलेगी कभी भी, इतना ही समझ लीजिए। जो एक KPIT टेक्नोलॉजी है कभी भी एक न्यूज बेस पे चलेगी, हम इतना ही कहना चाहते हैं। देखिए कभी भी इंफोसिस या TCS जैसे कंपनियों से हाथ मिलाते हैं तो उस समय इनकी में कंपनी में जो है कि अच्छी तेजी रहेगी, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप चाहे तो थोड़ा सा जो है कि यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से क्या है कि इस हिसाब से दोनों कंपनियां एक दूसरे को तगड़ा टक्कर दे रही है। टाटा गैलेक्सी काफ़ी समय से इस सेक्टर में आगे चल रहा है और KPIT अभी आगे बढ़ने की शुरुआत कर रहा है, और मेरे हिसाब से आप अपने पसंद अनुसार दोनों में से किसी भी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए दोस्तों किसी भी कंपनी में जो है कि पोर्टफोलियो में जगह रखने से पहले मैं तो यही कहूँगा, देखिए एक कंपनी जो है कि 8000 की है तो दूसरी कंपनी जो है कि 500 के रेंज में चल रही है, तो हम तो इतना ही कहेंगे दोनों कंपनियों में जो है कि आप सेम अमाउंट रखिए 8000 रुपये का। देखिए है तो दोनों सेक्टर में जो है कंपनियों का दोनों का बिजनेस जो है अच्छा खासा है। देखिए कोई भी क्लाइंट हो किसी के पास भी जाए, इनका क्लाइंट इनके पास जाए चाहे इनका क्लाइंट इनके पास जाए, हम इतना ही कहना चाहते हैं। देखिए आपको जो है कि 8000 इसमें लगाना है एक शेयर लेकर के, तो 8000 इसमें भी लगाना है एक शेयर लेकर। चलिए इनके एक बार फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जो है कि टाटा गैलेक्सी का एनालाइज कर लेते हैं। देखिए इनके फाइनेंशियल को देख, देखिए इनका जो है कि 48000 से 50000 करोड़ का जो है कि मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है कंपनी का जो है कि 7746 रुपये के आसपास करंट प्राइस चल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता, देखिए 9400 बोले तो 10000 के आसपास कंपनी ने बीच में जो है कि हाई लगाते हुए दिखा था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए 3300 का कंपनी का जो है लो है। बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे फंस चुके हैं, फंसे होने का मतलब क्या है कि उनको देखिए कभी भी वो भागते हुए शेयर में ही जो कि बाइंग करते हैं, कभी भी वो गिरते हुए या कंसोलिडेट करते हुए शेयर को बाइंग नहीं करेंगे और छू ही नहीं सकते, इतना उनका जो कि आप कहीं भी कहिए मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। देखिए 87 का जो है इनका पी है, बुक वैल्यू कंपनी का जो है कि 27 के आसपास है। डिविडेंड भी कंपनी कुछ पे करती है, ROC जो है कि 47 का, ROE जो है 37 का है। कंपनी का फेस वैल्यू जो है कि 10 का है। अपने को लगता है कभी भी देखिए टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए कभी भी अपने को स्प्लिट बायबैक बोनस जो भी कुछ भी हो सकता है। चलिए दोस्तों जो है कि दोनों कंपनियों को हमको कवर करना है, फटाफट इनके जो है कि पीएनएल को देखेंगे। सबसे पहले सेल्स देख लेते हैं। देखिए सेल्स जो है कि इनके मार्च 2011 देखेंगे 400 500 600 700 800 1000 1200 1300 1500 हम रफली पकड़ रहे हैं, माफ करना जो है 1600 1800 2400। देखिए दोस्तों इतना ही कहना चाहते हैं, देखिए इस बार जो है कंपनी ने अच्छा खासा सेल्स किया है। चलिए नेट प्रॉफिट को भी एक बार देख लेते हैं फास्ट वे में। देखिए जो है नेट प्रॉफिट में 32 34 21 15 75 माफ करना, फिर 100 को क्रॉस कर गया, फिर 150 175 240 368 फिर 550। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए टाटा गैलेक्सी किसी के पास भी अगर डाउन हो रहा है तो आप चाहे तो 6000 से लेकर के 7000 के बीच में आप चाहे तो खरीद सकते हैं, एक इंस्टॉलमेंट मेरे हिसाब से लगा सकते हैं। अच्छा देखिए कंपनी का जो है कि बैलेंस शीट आपको बताना, देखिए कंपनी के पास रिजर्व जो है 1500 करोड़ का है। बोरिंग भी कंपनी के पास कुछ जो है कि देखिए ये बोरिंग भी इनके पास थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि जो है कि अप ट्रेंड में है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों हम आगे कंपनी के जो है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, देखिए यहाँ पे जो है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, प्लीज़ जो है कि आप वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों देखिए जो है कि 44% का जो है कि कंपनी के पास स्टेक है प्रमोटर के पास। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, देखिए यहाँ पे जो है प्रमोटर ने इस क्वार्टर में जो है कि माल को सेल कर दिया है। सेल करने का मतलब ये है कि देखिए कंपनी के प्रमोटर ने जो है कि जैसे ही 9400 के आसपास जो है कि स्टेक गया है वैसे ही प्रमोटर और DIs ने दोनों ने सेल कर दिया है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखिए पब्लिक ने भी कुछ माल को जो है कि सेल कर दिया है, ऐसा नहीं कि जो है कि पब्लिक ने फायदा नहीं उठाया है, लेकिन पब्लिक ने भी फायदा उठाया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहिए, देखिए कंपनी का जब भी कोई भी शेयर प्राइस जो है कि अच्छा खासा मतलब कि ग्रो हो जाता है तो वहाँ पे जो है कि एक डाउन ट्रेंड आ जाता है, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कभी भी जो है कि रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे फंसते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए 13.15% के आसपास जो है कि स्टेक जो है कि FIs के पास है, माफ़ करना FIs के पास जो है कि स्टेक है, उन्होंने जो है कि ग्रो किया है मतलब कि बढ़ाया है। देखिए उसके बाद DIs ने जो है कि इस स्टेक को सेल कर दिया है। अच्छा दोस्तों हम आगे KPIT टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है कि देखिए सबसे पहले इनका भी कुछ फास्ट वे में जो है कि ओवरव्यू लेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना, देखिए इनका जो है कि 15000 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको बताना चाहिए देखिए एक मिड कैप टाइप का स्टॉक है, मतलब जो है कि रैली भी उसी हिसाब से रहेगी तो गिरावट भी उसी हिसाब से रहेगी। देखिए ये कंपनी जो है कि 20 से 25% जो है डाउन है। देखिए 550 का इनका करंट प्राइस चल रहा है, 800 का कंपनी ने बीच में हाई लगाया था। इसमें होता क्या है, देखिए कंपनी जब भी 800 का टच किया ना तो उस समय बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर खरीदने के लिए पहुँच गए होंगे, मतलब 700 से तो खरीदना चालू कर ही दिए होंगे मेरे हिसाब से। उसके बाद देखिए जो है कि
बुरा मत मानना, लेकिन क्या है कि यही एक्चुअल यही स्टोरी होती है कि जब भी कोई स्टॉक भागता है तो जो है कि वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर बाई करने पहुँच जाते हैं। चलिए अभी वो सब भी डिस्कस करेंगे। देखिए जो पी इन का 55 का है, उसके बाद 47 का बुक वैल्यू है, डिविडेंड भी कंपनी कुछ पे करती है, आरओसी जो है 24 का है, आरओई जो है 21 का है, मतलब देखिए आरओसी आरओई सब ठीक ठाक है। उसके बाद फेस वैल्यू भी कंपनी का जो है कि 10 का है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, देखिए इसको नेक्स्ट टाटा एलेक्सी बनने के लिए जो है ना बहुत टाइम लगेगा। आपको कोई भी, हम इतना ही बता दें, कोई भी शॉर्ट टाइम में कुछ पैसा नहीं बनने वाला स्टॉक मार्केट में, इतना ही कहना चाहते हैं। जिनके पास भी है प्लीज़ इसको भी होल्ड कर सकते हैं। देखिए ये कंपनी जो है कि मार्च 2018 से इनका जो है कि पीएनएल हम चेक करेंगे। देखिए फास्ट में थोड़ा सा जाएंगे। दूसरा देखिए कि कंपनी ने जो है कि मार्च 2018 में 0 था, उसके बाद देखिए 19 में जो है कि 641, फिर 2100, फिर 2000, फिर 2400। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहिए, देखिए सेम जितना प्रोपोर्शनेट में जितना रेवेन्यू इनके टाटा एलेक्सी के पास था उतना इस छोटी सी कंपनी के पास भी है। मतलब आपको बताना चाहिए, देखिए कंपनी में दम तो है, आगे जो है कंपनी अच्छा खासा कर सकती है। फिर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी चेक करें। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है 92, फिर 290, फिर 300, फिर 450 के आसपास जो है कि देखिए इस क्वार्टर में जो है कि इन्होंने भी अच्छा खासा, चलिए नेट प्रॉफिट को भी उसी नेट में चेक कर लें। देखिए 54, फिर 148, फिर जो है कि 146, और फिर जो है कि देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ था, मतलब क्या है कि फिर 274 अच्छा खासा। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि टाटा एलेक्सी में आप 8000 रुपये लगा रहे हैं तो हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि वही 8000 रुपये जो है कि आप KPIT टेक्नोलॉजी में लगाइए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते, देखिए टाटा एलेक्सी थोड़ा अपने को क्या है कि फास्ट वे में रिटर्न बना के दे सकता है। और आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता, देखिए उस पर उसके सर पे जो है ना कि टाटा ग्रुप जैसी कंपनियों का हाथ है, लेकिन जिस दिन इनके सर पे जो है कि TCS या इंफोसिस जैसी कंपनियों का हाथ आएगा ना, तो उस दिन ये कंपनी कहाँ रहेगी, आप इतना ही समझ लेना। चलिए कंपनी के जो है कि रिजर्व्स को चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए कंपनी के पास जो है कि रिजर्व जो है कि 1000 करोड़ का इनके पास रिजर्व था, देखिए उनके पास 1500 करोड़ का रिजर्व था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो है कि 227 करोड़ का बोरिंग है, तो वहाँ पे जो है ग्रोइंग मोड बोरिंग था। देखिए दोस्तों कुछ प्लस पॉइंट तो कुछ निगेटिव पॉइंट भी है, हम इतना ही कहना चाहते हैं यहाँ पे कुछ हमको प्लस पॉइंट लग रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ गए इनके जो है कि देखिए वहाँ पे कुछ स्टेक जो है कि वहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टेक जो है कि सेम टू सेम रखा गया है। इस क्वार्टर में कुछ भी नहीं बेचा गया, लेकिन टाटा एलेक्सी में कुछ स्टेक को जो है कि प्रमोटर ने सेल कर दिया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वहाँ पे FIs ने जो है कि स्टेक को बाइंग किया था, तो यहाँ पे सेल कर दिया है, ये निगेटिव पॉइंट है थोड़ा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, वहाँ पे जो है कि टाटा एलेक्सी में जो है कि DIs ने माल को जो है कि सेल कर दिया था, तो यहाँ पे DIs और FIs दोनों ने माल को सेल कर दिया है। तीसरा इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे जो है हमने आपको बताया ना, जैसा कि देखिए पब्लिक क्या है कि कभी भागते हुए शेयर को ही बाइंग करती है, तो सेम यहाँ पे वही हुआ है। आप इतना देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है कि पब्लिक ने जो है कि देखिए जैसे क्या वो बताया ना आपको, 700 से उन्होंने बाइंग करना चालू कर दिया, तो देखिए यहाँ पे उनका जो है कि ग्राफ जो है बढ़ गया, आप इतना ही देख सकते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अदर भी यहाँ पे कुछ 1-1.5% के आसपास हैं। देखिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए कंपनी तो अच्छी है, लेकिन क्या है रिटेल इन्वेस्टर इसको होल्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए प्लीज़ जिनके पास भी होल्ड कर सकते हैं, जिनको बाइंग करना है वो चाहे तो इक्का दुक्का स्टॉक उठाए, लेकिन इतना ही कहना चाहते हैं दोनों कंपनी अच्छी है। KPIT टेक्नोलॉजी को जो है कि आप थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, और टाटा एलेक्सी को भी लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, लेकिन क्या उसमें टाटा एलेक्सी थोड़ा फास्ट वे में रिटर्न बनेगा, KPIT टेक्नोलॉजी थोड़ा स्लो चल सकती है, लेकिन क्या है कि एक न्यूज बेस पे स्टॉक चलेगा। चलिए दोस्तों हम आगे KPIT टेक्नोलॉजी के ऊपर, सबसे पहले इनके चार्ट को देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता है, इनके चार्ट में थोड़ा हाई वॉलेटाइल है। हाई वॉलेटाइल होने का मतलब कि देखिए गैप अप डाउन ही हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं, देखिए जो है कि मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, मतलब कि मार्केट को ही नहीं पता कि उसको ऊपर जाना है कि नीचे आना है, कभी भी कहीं भी जा आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, 5 दिन का इनका चार्ट देखिए, 5 दिन में कंपनी 3-4% का रिटर्न बना के दिया। एक महीने को देख लेते हैं, एक महीने में कंपनी 10-11% डाउन है, 6 महीने में देख लेते, देखिए कंपनी 6 महीने में 70% का रिटर्न बना के दिया है। इतना ही कहना चाहते हैं, जिनके पास भी है प्लीज़ इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा एयरटेल डेट में देख लेते हैं, एयरटेल डेट में कंपनी ने 8-9% के आसपास डाउन है। एक साल का एक बार देख लेते, देखिए एक साल में जो है कंपनी 174% का रिटर्न, मतलब कि 200 के आसपास जो है कंपनी रिटर्न बना के दे दिया है। 5 साल का देख लेते हैं एक बार, देखिए 5 साल में कंपनी 400% का रिटर्न बनाया है। एक बार इनका जो है मैक्सिमम देख लेते हैं, देखिए कंपनी जो है जस्ट अभी अभी मार्केट में आई हुई, मतलब आपको बताना चाहते, देखिए कंपनी जो है 2019 से आई हुई कंपनी है, इसलिए आपको बताना चाहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, चलिए टाटा एलेक्सी के ऊपर भी आ जाते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे टाटा एलेक्सी के ऊपर, जैसा कि देखिए आप देख पा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहते, देखिए 7740 का करंट प्राइस चल रहा है, 8000-9000 के आसपास 9420 का कंपनी ने हाई लगाया है। चलिए देखिए कंपनी का जो है कि एक दिन में कंपनी ये भी डाउन है, उसके बाद 5 दिन का देख लेते हैं, 5 दिन में कंपनी 4% का मतलब डाउन है। एक महीने में देख लेते हैं, एक महीने में 14% की कंपनी डाउन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट 6 महीने में देखते हैं, देखिए 6 महीने में कंपनी ने 27%।
कंपनी ने एयरटेल डेट में जो है कि 31% का रिटर्न बना के दिया। एक बार एक साल को देख लेते हैं, एक साल में देखिए कंपनी ने 118% का रिटर्न बना के दिया, लेकिन वो 200% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब आपको बताना चाहता, देखिए फास्ट वे में तो KPIT टेक्नोलॉजी में रिटर्न बनेगा, लेकिन थोड़ा क्या है कि न्यूज़ बेस पे, जैसा हमने आपको बताया वो न्यूज़ बेस पे थोड़ा चलेगा। चलिए एक बार इनका 5 साल का देख लेते हैं। देखिए 5 साल में कंपनी 900% का रिटर्न बना के दिया, मतलब आप इतना ही समझ लीजिए कि वो 400 उसको तो पूरी तरह से 5 साल हुआ भी नहीं है, इनको तो जो है कि 5 साल से ज़्यादा हो गया। चलिए मैक्सिमम देख लेते हैं इनका एक बार। देखिए मैक्सिमम ने कंपनी में जो है कि 22,000% का रिटर्न जो है कि बना के दिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना है, देखिए इनका चार्ट जो है कि कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा होने का मतलब क्या, एकदम फ्लैट चल रहा था, उसके बाद जैसे ही ईबी आया वैसे ईबी को लेकर के जो है कि इतना एकदम टॉप पे, मतलब कि आपको तो पता है कि देखिए पूरा टाटा ग्रुप जो है कि पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है कि इनके पास पूरा बंच है, और पूरा इनको कहीं दूसरी जगह नहीं जाने का है, इनको तो यहीं पर सब कुछ करना है अपनी ही कंपनी में। इसलिए मैं आपको बताना चाहता, देखिए दोनों कंपनी अच्छी है, आप चाहे तो पूरा इक्वल जो है कि दोनों में बराबर बोले तो 8,000-8,000 रुपये आप लगा सकते हैं मेरे हिसाब से। जिनको भी जिन पास भी हाई लेवल पे पड़ा है तो चाहे तो होल्ड कर ले, जिनको ओरिजिन करना है तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसको जो है कि आप 6,000-7,000 पे आप नेक्स्ट बाइंग करें इसमें टाटा इलेक्सी में, और KPIT टेक्नोलॉजी में आप 400-500 की रेंज पे आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं मेरे हिसाब से। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।